छोटी भैंस नीचे आ गई, देखो टाइगर नीचे आ गई। तो दोस्तों ट्रेन चल चुकी है, इंजन का कंप्रेसर जो है ख़राब हो गया शायद, तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। दोस्तों सुबह के 6 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं भोपाल। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने शॉपिंग करी, तैयारी करी, सब पैकिंग करी सामान की, और अब हम निकल रहे हैं अपने सफ़र पे। तो आपको हम बता दें हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अपने गांव, मतलब इनके भी गांव, मेरे भी गांव, इनके ननिहाल, ददियाल, सब जगह, वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो हम यूपी के रहने वाले हैं, तो हम जाएंगे यूपी। तो हम यहाँ से जाएंगे कुर्ला, कुर्ला से ट्रेन पकड़ेंगे, सीधा उतरेंगे कहाँ, रायबरेली, लखनऊ से आगे रायबरेली। लखनऊ तक भी ट्रेन जाती है लेकिन रायबरेली तक जाती है, हमको रायबरेली जाना है। और हमारे पास टिकट वगैरह है नहीं क्योंकि हमारी प्लानिंग पहले से नहीं, अर्जेंट में हम कल रात में तैयार हुए और शॉपिंग करे और आज बस निकल रहे हैं। तो हम जनरल की टिकट निकालेंगे और देखेंगे कहीं जगह होगा मिल गई तो कैसे, क्योंकि वहीं तो हम दोनों जन हैं, कहीं ना कहीं बैठ के निकल जाएंगे। अगर जगह नहीं मिली, फिर ज़्यादा भीड़ भाड़ रही, तो फिर वापस आ जाएंगे, फिर देखेंगे कोई और रास्ता, तो इंशाल्लाह हो सकता है जगह मिली जाए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि मेरा चैलेंज है, वो खाने पीने का है। आपको पता है मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो कुछ भी खा भी नहीं पाता हूँ, तो अब यहाँ से लास्ट खाना मैंने खा लिया है। अब रास्ते में देखते हैं क्या कुछ खा पाता हूँ या नहीं खाता हूँ। यूपी पहुँचने तक कुछ ना कुछ सर्वाइव करूँगा, ये मेरे लिए चैलेंज, खुद के लिए चैलेंज है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मैं पहली बार अकेले जा रहा हूँ। तो देखता हूँ कैसे मैं पहुँचता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारा टोटल सफ़र कितने घंटे का है, 24 घंटा बोलते हैं लेकिन 26-27 घंटा लगेगा। आज शाम को 4 बजे की ट्रेन बैठेंगे तो कल कहीं पहुँचेंगे 8-9 बजे, तो इतना लंबा सफ़र है। तो अल्लाह हमारी कुछ ना कुछ खा पी लेंगे, और यूपी पहुँचेंगे तो वहाँ भी खाने का प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ घर में इंतजाम हो जाएगा। तो कौन कौन है, किस किस से मिलेंगे, आप लोग सबको दिखाएंगे। आप जितने भी सवाल करते थे ना, इनको मिलाओ, उनको दिखाओ, आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। आप लोग वीडियो बने रहना और कंटिन्यू यूपी की सीरीज आएगी, अब सब कुछ दिखने वाला आप लोग को। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, अब हम निकलते हैं। और ये दोनों को ले जा रहे, थोड़ा सैड है लोग, देखो ये ज़्यादा सैड है, तो सैड मत हो, हैप्पी रहो, हम लोग जल्दी आ जाएंगे घूम फिर के। ये ज़्यादा खुश है ना, हाँ तो बोलो शादी में रख लिया और ब्रीफकेस इतना ही लेके जाएंगे हम, काफी वजन हो गया ये भी। हम लोग जा रहे हैं तो ये लोग रो रहे हैं, देखो इनका रोना आ रहा है, ऐसे लड़ते रहती है, ज्यादा लोगों से रो रही है, आंख में आंसू आ गया, ये भी रो रही है। इन लोग को पहली बार छोड़ के जा रहा हूँ तो मुझे भी रोना आ रहा है। नहीं रोना, अच्छा से जा, कुछ खुशी पागल हो क्या, रोता नहीं ना, अरे तबीयत पहले की थोड़ा जा, तबीयत होती पहले की, वहाँ सबसे मिलो, फिर घर में इतने दिन से रह रहे, जाओ क्या घर तो वापस आना ही है, पागल हो क्या, रोते नहीं, जाओ आराम से। हेलो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अरे बस करो, चलो चलो। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अभी ओला से लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए, वहाँ से हमारी ट्रेन है, वहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे और डायरेक्ट रायबरेली। तो दोस्तों हम आ गए लोकमान्य तिलक टर्मिनल, आप देख सकते हो ये एंट्री, यहाँ से हमें करना है। तो चलते हैं अंदर, अब टिकट निकालते हैं हम, फिर देखते हैं हमें चालू डिब्बे में जगह मिलती कि नहीं, क्योंकि हमको जनरल डिब्बे जाना है ना, देखते हैं चलो। और साथ ही ओला में सो गया था, देखो एक नींद मार के आया है। तो दोस्तों ये टिकट खिड़की, और हमने यहाँ से टिकट देखो ले ली है, दो टिकट रायबरेली की आप देख सकते हो, 375 की एक टिकट है, दो टिकट हमने ली है। तो हमने हाफ टिकट नहीं लिया, दोनों फुल टिकट ही लिया, देखो 375 375 लोकमान्य तिलक टू रायबरेली। तो अब हम जाएंगे प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन में अपनी, देखते हैं अगर जगह मिल गया, क्योंकि जनरल में बहुत भीड़ रहती है, जगह मिलती नहीं, साथ बैठ पाओगे, अंदर घुस पाओगे, जनरल मतलब चालू डिब्बे में घुस पाओगे, चलो मेहनत करना पड़ेगा, हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास टिकट है नहीं, चालू टिकट है। देखो आज तो कभी चालू डिब्बे से सफ़र नहीं किया ना, हमेशा स्लीपर से या एसी से या प्लेन से, फर्स्ट टाइम मैं चालू डिब्बे में बैठने जा रहा ना, तो कोशिश करेंगे बैठने की, बैठ गए ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं अल्लाह मालिक है। चलो अभी जल्दी प्लेटफॉर्म, बस हमें मतलब बैठने की सीट मिल जाएगी, आराम से बैठ सकते हैं, और खाली रहेगी तब तो, खाली नहीं रहती है, चलो मालूम पड़ेगा अभी। तो दोस्तों देखो चालू की लाइन लगी हुई है जनरल की, और शादी में लाइन नहीं लगा रहा, ऐसे जा रहा है। लाइन कब लगाओगे, बिना लाइन का तुमको घुसने नहीं देंगे यहाँ, समझ लो, देख लो लाइन। दोस्तों अब हमारी ट्रेन आ रही है उद्योग नगरी, जो कि लोकमान्य तिलक से रायबरेली तक जाएगी, और शादी में बहुत खुश हो रहा, देखो ये देखो आ गई उद्योग नगरी एक्सप्रेस, ये गाड़ी है। तो ये देखो ये है चालू की लाइन, इतनी ज़्यादा लंबी, और अभी तो हम पीछे आ चुके हैं, आगे भी बहुत लाइन है लंबी।
तो हम इस दिव्यांग डब्बे में बैठ कर जाएंगे। चालू में हम बैठ नहीं सकते, बहुत ही लंबी लाइन है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो तो शादी मेरा बैठ गया, मैं बैठता हूँ। शादी देखो मस्त में बैठा है, कैसा लग रहा है? तो हम लोग आइए, बहुत भारी बैग टांगा था, थक गया। अभी मम्मी से बात कर रहा, वीडियो कॉल पे भी बैठा है। तो दोस्तों ट्रेन चल चुकी है, और खुश हो रहा है। बाय बाय मम्मी, हम लोग जा रहे हैं। हमारे दिव्यांग डब्बे में काफ़ी लोग बैठ चुके हैं, देखो कितने लोग। मिला दोस्तों, इसलिए लेट गया हूँ। वैसे दिव्यांग डब्बे में काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं यहाँ। थोड़ा सा लेट मिल गया, लेकिन काफ़ी लोग हैं यहाँ। यहाँ लेट हैं, यहाँ लेट हैं, तो यहाँ लेट हैं। देखो नीचे लेडीज लोग यहाँ हैं, देखो काफ़ी लोग हैं। गेट पे भी बहुत लोग हैं, गेट पे भी काफ़ी लोग हैं। एक बेचारा हैंडीकैप है, देखो उसको उल्टी आने लगी है यहाँ पे, उसका पैर पूरा फ्रैक्चर है बेचारे का, उल्टी भी आ गई यहाँ। अब शादी में खाने की सेवा स्टार्ट हो गई, देखो कल्याण से आगे हम लोग निकल चुके हैं। शादी में बहुत सारा सामान लाया ना खाने के लिए, बहुत सारा सामान लाया है यहाँ सिर्फ, लेकिन खाने के लिए, खाना खाने के लिए कुछ नहीं लाया ना। हम रास्ते में कुछ लेके खिला दूँगा तुझे यहाँ। अब दोस्तों शाम हो गई है और वड़ा पाव मैंने ले लिया शादी के लिए, मैं तो खाऊंगा नहीं, आप लोग को मालूम है। शादी मेरा खाएगा वड़ा पाव, लो ये भी एक इंजॉय है ना। चलो अभी रात हो चुकी है और टनल पर टनल आ रहे ना, टनल पर टनल बहुत सारे टनल आ रहे हैं, और बाहर का कुछ भी दिख नहीं रहा है दोस्तों। अब नासिक रोड आ गया है, देखो शाम के 8:15 बज चुके हैं और नासिक आ गया है अब, और नासिक के अंगूर बहुत फेमस हैं। देखो दोस्तों मैं कैसे लेटा हुआ हूँ, शादी में और कैसे लेटा हूँ। दोस्तों आपको दिव्यांग कोच का और टॉयलेट दिखाता हूँ मैं, देखो ये एंट्री है और ये पूरा टॉयलेट है, देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया बना हुआ है मस्त। यहाँ पे मुझे लग रहा है शावर भी है नहाने का है, यहाँ मुझे लग रहा है नहाने के लिए बना दिया गया थोड़ा सा, और यहाँ बहुत मशीन है ऐसा भी लोगों को बड़ा सा लगा हुआ है, मतलब काफ़ी बड़ा है। मतलब ट्रेन में मैंने इतना बड़ा टॉयलेट कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, देखो इतना बड़ा टॉयलेट होता है इनका। इधर भी शीशा लगा हुआ है एक, इधर दरवाज़ा बड़ा है ताकि कोई व्हील चेयर पर अगर आए तो आ सके अंदर, इसके लिए ऐसा बना हुआ है। आ गए हम भुसावल पे, देखो भुसावल आदमी बैठा है अंदर, अभी नहीं निकली वो। चाय वाय मिल रही है? चाय पीना है? नहीं, तो इंजन है, इंजन के जस्ट बगल में हम लोग हैं, एकदम इंजन के बगल में, इसलिए इंजन की और हॉर्न की आवाज़ बहुत तेज तेज आती है यहाँ पे, है ना, आवाज़ बहुत आती है ना। दोस्तों सुबह के 6 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं भोपाल, इसी डिब्बे में हम बैठे हैं, देखो दिव्यांग में सुबह के 6 बजे भोपाल आ गए हैं। शादी में हमारा सो रहा भी, पानी वाले, चाय वाले, समोसे वाले आ गए सुबह सुबह बेचने के लिए। सिग्नल मिल गया है, हमारी गाड़ी आने वाली है, सिग्नल देखो हरी हरी करती जल गई है। तो बाय बाय भोपाल, साढ़ा फिर मिलेंगे। ये है भोपाल शहर, आप देख सकते हो सुबह सुबह कैसा दिखता है भोपाल शहर। मेरे को सुबह सुबह सूर्य उठा है, कैसा दिख रहा है एकदम गंदा गंदा है। ट्रेन स्लो होती है, देखो कैसा लोग चढ़ने के लिए आते हैं, देखो लोग चढ़ रहे हैं यहाँ से। यहाँ स्टॉप नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ट्रेन स्लो होती है तो लोग भाग भाग के चढ़ जाते हैं। इसके बाद यहाँ से आएगा, 10 बजे आएगा, बैठना आराम से।
रात में बैठे बैठे बोर हो गया ना, तो बोर हो गया ना। हाँ अभी और पूरा दिन बैठना है, शाम को पहुँचेंगे तो दिव्यांगड़ा पर देख लेते बड़ा होता है, बस एक सीढ़ी इधर एक सीढ़ी इधर, इतने बड़ा डिब्बा है दिव्यांग का बस। बाकी यहाँ पे सामान रखने का और सामने वॉशरूम है, बस इतना ही बड़ा है। अब दोस्तों हम आ गए झांसी, विकलांग है विकलांग पीछे पीछे निकलेंगे दोस्तों। फाइनली हम आ गए झांसी, देखो अशोक नगर एक्सप्रेस ट्रेन से हम लोग चार्जिंग लाइन चालू करवाने आए हैं यहाँ इंजन पे, देखो चालू कर देगी नहीं, चार्जिंग हो नहीं रही मोबाइल की, चार्जिंग का लाइन बंद है पूरा ट्रेन का, मोबाइल चार्जिंग का लाइन बंद है, मोबाइल चार्जिंग का लाइन बंद है। अच्छा आप पैसेंजर है सवारी? हाँ यार भैया गार्ड साहब से कह दो वहीं सब होता है, यहाँ से इंजन तक कैसे होता है, क्या हुआ चलाने का काम है तो गार्ड साहब होता है हम बता देते हैं आपकी कोई समस्या कर तो हमने चार्जिंग का सॉकेट चालू करने बोला, इन लोग की ड्यूटी चेंज हो गई, देखो जा रहे ड्राइवर है ये ट्रेन को चलाते तो हम जा रहे हैं कि ड्यूटी चेंज हो गई झांसी में, लेकिन उन्होंने चालू नहीं किया, हमें को उल्लू बना दिया, बोला गार्ड को बोलो किसको बोलो पता नहीं, तो सब हम लोग परेशान हैं, चार्जिंग हो नहीं रही हमारे मोबाइल की, हमारे मोबाइल भी मेरा मोबाइल भी बंद होने वाला है थोड़ी देर बाद, हो सकता है आगे का वीडियो भी ना बना पाऊँ। ट्रेन के बगल में इसलिए ना तो यहाँ चाय वाला आ रहा है ना पानी वाला आ रहा है ना कोई खाने पीने वाला आ रहा है, सब परेशान हैं, उनको भी चाय पीना है, उनको भी चाय पीना है, सब एक ही डिब्बे में किसी कुछ भी नहीं ले रहा यहाँ। दोस्तों अब उदय स्टेशन आ गया है और यहाँ का रसगुल्ला गुलाब जामुन बहुत फेमस है, लेकिन अब आ गया तो हमको मिलेगा नहीं कुछ भी, आदमी गुलाब जामुन खाया ना देखा ना नहीं मिलेगा नहीं खाएगा क्या। दोस्तों हमारी ट्रेन के नीचे भैंस आ गई है, कट गई कि बच गई है? नहीं ट्रेन में फंसा है कि नीचे है लाइन पे फंसी है। अरे यार तो कट गई, अरे इंश्योरेंस है इसका काम में है ना, इंश्योरेंस कट गई मर गई वो तो नहीं, पूरी भैंस नीचे आ गई, देखो ट्राई नीचे आ गई नहीं 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 निकलेगी यार, फाली मुंडी फस गई पूरी। ये यहाँ के ये ड्राइवर हैं जो हमारे ऊपर से देख रहा था, तुम अरे कंप्रेसर अपना देख रहा है। इंजन का कंप्रेसर जो है ख़राब हो गया शायद, तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। कंप्रेसर ख़राब हो गया इसका, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं लग रहा है। अभी ट्रेन पीछे ले रहे हैं, पीछे ले रहे अभी पीछे लेके आगे सब लोग धक्का दे रहे अभी अंदर कर रहे उसको, बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ।